नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषण पर सलमान खुर्शीद ने हमला बोला। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। उल्टा 80 से 85 से 90 लोग हैं जिनके परिवार भारतीय जनता पार्टी में हैं। बीजेपी ने तो देश में क्रिकेट तक को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तो क्रिकेट का खेल भी अपने काबू में ले लिया, फिर बचा क्या है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संविधान कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते और हम इसका विरोध करेंगे। देश में ऐसी व्यवस्था को पांव नहीं जमाने देंगे। देखिए, उनके पास उनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि वो ये कहें कि परिवारवाद देश में और लोग कर रहे हैं। मुझे ये बता रहे हैं, जब किसी ने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, कोई जमीन करे, कोई जमीन ले, कोई बड़ी संस्था ले, तो समझ में आता है कि इनको बड़ी चीज़ों का शौक। लेकिन जो क्रिकेट का खेल है उसको भी नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता हैं, और क्रिकेट का खेल भी उन्होंने अपने काबू में ले लिया, फिर बचा क्या है। चंदौली के रुपेछा गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे कार्य में भारी घोटाले का आरोप लगा है, जिसके जांच के लिए टीम भी गठित हो गई है। आपको बता दें कि रुपेछा गांव में ग्राम पंचायत भवन विद्यालय में कराए गए कार्यों के साथ अमृत सरोवर बनाने के नाम पर भारी घोटाले का मामला सामने आया। इस संबंध में ग्रामीण मुन्ना पांडे ने बताया कि जहां पिछले कार्य में भारी अनियमितता देखने को मिली, वहीं वर्तमान समय में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर के सुंदरीकरण के लिए बनाए जा रहे सीढ़ी को मिट्टी पाट कर उस पर टुकड़े से निर्माण किया जा रहा है, जो मानक विहीन है, दुर्घटना को दावत देने वाला है। ग्राम प्रधान द्वारा मानक विहीन कार्य कराने को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। तो चंदौली की तस्वीरें हैं जहाँ पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनमें घोटाले हैं। तो चंदौली के रुपेठा गाँव है यहाँ पर, जहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा कार्यों में भारी घोटाले का आरोप लग रहा है, जिसके लिए जांच की जा रही है। टीम का गठन भी किया जा चुका है। रुपेठा गांव में ग्राम पंचायत भवन विद्यालय में कार्यों के साथ अमृत सरोवर बनाने के नाम पर भारी घोटाले का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीण मुन्ना पांडे ने बताया कि जहाँ पिछले कार्य में भारी अनियमितता देखने को मिली, तो वहीं वर्तमान समय में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में घोटाला किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया कि अमृत सरोवर के सुंदरीकरण के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं उसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। ग्राम प्रधान द्वारा मानक विहीन कार्य कराने को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए। बिना मानक के जो पीछे कार्य हुए हैं 21-22 से लेकर के, उसकी जाँच के लिए हमने आदेश जिलाधिकारी के यहाँ अप्लीकेशन दिया, जिसमें आदेश हो गया है। आदेश में दो अधिकारियों को मुकर्रर भी किया जा चुका है, अभी आने ही वाले हैं। तब तक बीच में मंगल पांडे अमृत सरोवर का पर जो है सुंदरीकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसके अंतर्गत जो रैप और सीढ़ी बनाई जा रही है, सीढ़ी एक ऐसी है। शाहजहाँपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के ग्राम बख्तियारपुर से पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 350 ग्राम चरस और एक तमंचा बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर ने बताया कि वो माल नेपाल से लेकर आया था। तो शाहजहाँपुर का एक पूरा मामला जहां पर नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो अभियुक्त है वो तस्करी का सामान नेपाल से लेकर आया था और शाहजहाँपुर में बेचने की फिराक में था। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की कीमत की अगर हम बात करें तो इस चरस की कीमत 70 लाख रुपये बताई जा रही है। 350 ग्राम चरस इसके पास से बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक तमंचा भी इसके पास से बरामद किया गया।
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में थाना तिलहर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर रईस नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो ग्राम बरेचा का रहने वाला है। इसके कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 70 लाख रुपये है। ये नेपाल से लाई जा रही बताई गई। इससे पूछताछ में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन पर गहनता से छानबीन की जा रही है। रईस के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना तिलहर में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर 136.95 पर पहुंचा है। गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 15 सेंटीमीटर दूर है। वहीं गंगा के जलस्तर बढ़ने से कई दर्जन ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। कई गांव के संपर्क मार्ग में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीणों को आवागमन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए जमीनी स्तर पर सुविधाएं नहीं दे रहा है। गंगा नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण डरे हुए हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीरें जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। खेत खलियान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों तक पानी भर गया है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। तो फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़कर 136.95 पर पहुंच गया है। खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर दूर है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कई गांव के संपर्क मार्ग में पानी भर गया है। कई ऐसे गांव हैं जिनका शहरों से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों का आवागमन करने में समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आदेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? फर्रुखाबाद में लगातार हम देख रहे हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है गंगा। आदेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो आदेश, आवाज आ रही है मेरी? जी आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? फर्रुखाबाद में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जिले में एक बार फिर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर 195 पर पहुंच गया है। गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 15 सेंटीमीटर दूर पहुंची है। गंगा के बाढ़ आने से लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में है, जिससे और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और ग्रामीणों को निकलने के लिए काफी दिक्कत हो रही है। जो वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से विद्यालय और गांव घरों में लोग जलमग्न हो गए हैं, पानी घुस गया है, ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है। जी, चौकियां बनाई गई हैं, जो निचले स्थान हैं उनको वहां से हटाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर क्या आपके लोगों से बातचीत हो पाई है? क्या कहना है उनका? प्रशासन की तरफ से बाढ़ को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं अभी तक। जिस तरह से अगर ठोस कदम उठाया गया तो ग्रामीणों को अभी दिक्कत का सामना न करना पड़ता। वो वीडियो में साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। जब खबर मीडिया को लगी उसके बाद अधिकारियों को पहुंचना वहां चालू हो गया है। जी, अब देखना होगा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फर्रुखाबाद की तस्वीरें, गंगा का जलस्तर बढ़ने से तमाम ग्रामीण ऐसे हैं जो बेहद परेशान हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क भी टूट गया है। बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। इटावा के रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास हाथिया से आनंद विहार जा रही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आ गई और ट्रेन को आता देख बाइक छोड़कर बाइक सवार भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाइक ट्रेन के इंजन के नीचे फंस गई, जिसकी वजह से बाइक के परखच्चे उड़ गए। 15 मिनट बाद आरपीएफ ने ट्रेन के नीचे फंसे बाइक के टुकड़ों को निकालकर ट्रेन को रवाना किया।
मामला 15 सितंबर 2017 का, जिसमें पुलिस द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाए गए हैं और माननीय न्यायालय में जांच को गलत बताते हुए दोबारा जांच की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दूसरी बार जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे लक्सर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित मेनपाल सिंह 15 सितंबर 2017 को अपनी पत्नी को लेकर लक्सर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा था, जहां रात के दौरान डॉक्टर न आने के लिए मना कर दिया। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव कराया गया। सुबह 9 बजे प्रसूता की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद मौजूदा डॉक्टर शाक्य और महिला डॉक्टर सुषमा गुप्ता को तत्काल आने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों ही डॉक्टर नहीं पहुंचे और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रसूता को इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद प्रसूता की हालत ज़्यादा खराब हो गई। हालत बिगड़ती देख स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। मेनपाल का कहना है कि वो एक निजी अस्पताल में अपनी पत्नी को लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने प्रसूता का बचना नामुमकिन बताया। प्रसूता की मौत हो गई। मामला ये था कि 2017 में मेनपाल द्वारा अपनी पत्नी को सीएचसी लक्सर में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ अनुपस्थित थी, जिस कारण डिलीवरी के पश्चात मेनपाल की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मेनपाल द्वारा थाने में सूचना दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके पश्चात मेनपाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा FIR के आदेश किए गए, किंतु रसूखदार लोगों ने मामले को दबा दिया, जिसके पश्चात FIR आई, लेकिन हमने उसमें कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। NH 534 पर दुगड्डा के एटा बैंड के पास दिन दिहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। चौबट्टा खाल के हेमंत चौहान और कमल चौहान गांव से देहरादून जा रहे थे, तभी अचानक दुगड्डा के एटा बैंड के पास लगभग 1:30 बजे गुलदार ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के पैरों में हमले होने के कारण घायल अवस्था में हुई। हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेजी गति से लेकर भागे, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। कोटद्वार के 20 अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। नैनीताल के हल्द्वानी में केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2 करोड़ की लागत से ब्लॉक कार्यालय में टेलीमेडिसिन और कॉमन सर्विस सेंटर का लोकार्पण के साथ ही 1008 बाबा हेड़ा खान राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया में HP एंटरप्राइजेस के सौजन्य से किया है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने कहा कि डिजिटल विजिलेंस की अद्भुत शुरुआत जनपद में हुई है। उन्होंने कहा कि HP एंटरप्राइजेस के सौजन्य से प्रदेश में नैनीताल के हल्द्वानी में टेलीमेडिसिन कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। हमने HP ही जो कंपनी है उनसे CSR की मांग करी। हम भाग्यशाली है कि उत्तर भारत में हमारे यहाँ पहली CSR द्वारा खोली गई ई विलेज है, जिसमें टेलीमेडिसिन तो है ही और करीब करीब 70 प्रकार के टेस्ट भी आपके होंगे। वो टेस्ट जो होगा पैथोलॉजी के, आपको 10 से 15 मिनट में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और कन्नौज जिला अस्पताल की बदतर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए CMS खुद जुट गए हैं। सुबह अस्पताल के रूटीन निरीक्षण पर निकले, जहां CMS ने इमरजेंसी वार्ड में बिना बेडशीट के मरीज को पड़ा देखा तो वो खुद ही वार्ड बॉय बन गए। CMS ने शीट लगाकर बेड पर बिछाई और मौजूदा स्टाफ को इमरजेंसी मरीज देखने के तरीके बताए। कन्नौज जिला अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। CMS ने उम्मीद जताई है कि जल्द जिला अस्पताल की व्यवस्थाएँ दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए, ये रूटीन निरीक्षण है, मैं रोज ही करता हूँ और बार बार बताने के बाद यदि कार में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं तो उसमें आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। इस करके मैं विशेष करके ध्यान दे के मैंने निरीक्षण किया कि वहाँ पे बेडिंग के मामले में उन लोगों को बार बार निर्देशित किया जाता है, तब पर भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे तो उनका प्रशिक्षण ग्रहण करें, दोबारा से करें। इसके पश्चात मैं मरीजों से पूछा, यहाँ पे अक्सर करके ये शिकायतें आती हैं कि बाहर की दवाई लिखी जा रही है या CMS
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ निगम की डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 76 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें 5 बड़े ट्रक हैं जिनकी लागत लगभग 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो मेरठ की तस्वीरें जहां पर सीएम ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई है, नगर निगम के वाहन बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरठ स्मार्ट सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी भी बनता हुआ नजर आएगा। आप बता दें कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर तमाम तैयारियाँ पहले से ही की जा चुकी थी, साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की। तो मेरठ की तस्वीरें जहाँ पर नगर निगम को 76 गाड़ियाँ मिली हैं, जिसकी वजह से जो मेरठ है वो पूरी तरह से स्वच्छ रह सकेगा और जो यहाँ पर प्रशासन और शासन मिलकर सपना देखते हैं कि मेरठ को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रिहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिहान, योगी आदित्यनाथ ने मेरठ नगर निगम को बड़ी सौगात दी है, 76 गाड़ियां। जी मैं आपको बता दूं कि मेरठ में नगर निगम की जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ ने 76 छोटी गाड़ियां और जिसमें 5 बड़े ट्रक नगर निगम को सौगात दिया, जिसमें लगभग 6 करोड़ की लागत यह बताई जा रही है। जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ 4 कार्यक्रम मेरठ में अटेंड करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे मेरठ के आयुक्त सभागार में। जिसके बाद में मंडलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ में विकास कार्यों की समीक्षा एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वहीं दूसरी ओर मंडल के अन्य विषयों से भी जुड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार टीचर्स यूनिवर्सिटी में वे जो छात्र मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करेंगे। निगम को यहां पर 76 गाड़ियां मिली हैं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम मेरठ में योगी आदित्यनाथ के तय हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।